तो आज है बहुत ही स्पेशल राइड। आ जाओ भाई आ जाओ, ये सही लग रहा है। हेलो हेलो, अभी सुना रहे हैं। बहुत ही स्पेशल राइड, आगे चलते हैं बताते हैं आपको। फिलहाल अभी लेट हो चुकी है, तो जॉन भैया जो अगस्त्यदेव के फादर हैं प्रो राइडर के, उनके पास जाना है हमें, और उसके बाद आगे राइड कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे आपको। ये घड़ी है अपनी सिम्बा, इसमें हमने एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर दिए हैं। ये साउंड सुनो आप, एलईडी बैग ले रहे हैं हम। ये देखो, इस बैग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा ब्लॉग, इस पर हमारा नाम चल रहा है साकिबुरेशी ब्लॉग। कॉल आ चुकी है दोबारा से। तो गाइज, आज की राइड जो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज बाइकर्स और पुलिस साथ में कोलैब करके राइड करेंगे। तो देहरादून में तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और मैं भी ऐसी राइड पर फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। गाइज, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है राइड में, और अपनी बाइक में जो है सिम्बा में हमने एग्जॉस्ट भी लगा लिए हैं, जिससे हमारी बाइक लाउड हो चुकी है। है भैया, चले गए? चले गया। कितनी देर हो गई? अभी 10 मिनट। हम आए थे अगस्त्य के घर पे, फिर बाइकर्स सारे निकल चुके हैं। ये जो कोलैब है ये किसी रीज़न की वजह से रखा है, एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, वो आपको वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, जिसमें एक राइड भी निकलेगी। वो सभी इस टाइम पर जो है वहाँ पर खट्टे हो रखे हैं, और एक चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे कि लाउड एग्जॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और रैप वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, वरना स्टॉक एग्जॉस्ट लगाने पड़ते हैं। एक होता है कि बाइकर्स को डर जो लगता है वो पुलिस से लगता है, और आज राइड ही पुलिस के साथ में है, तो बहुत फन होने वाला है। आज पुलिस के साथ में लाउड एग्जॉस्ट के साथ चलेंगे। तो गाइस, फ्रेंड ने अभी लोकेशन भेजी है मुझे कि वो वहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनके पास चलते हैं। यहाँ पर तो अभी बाइकर्स हैं सारे। आ जाओ, बाइक पर लेना है। कौन है, फोटो कौन लेगा? बैठो भाई, बैठो, बाइक पर बैठ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक, थैंक यू। तो गाइस, ये प्रो राइडर 1000, क्या हाल है? मैं आपके घर पर गया, आप निकल गए वहाँ से। अरे बस क्या करें, सब आई जा रहे हैं भागदौड़ यार बस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये सही लग रहा है। ये रॉकेट बना दी इन्होंने। सब मामला शांत हो गया। हाँ, तो गाइस सभी बाइक्स निकल रही हैं यहाँ से। ये बच्चे बैठा लोगे? तो गाइस हम भी अपनी सिम्बा उठा लेते हैं अब। हेलो, कैसे हो? आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी इतने लाउड में, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा आज के व्लॉग में। पूरा शोर करती हुई जा रही है बाइक्स। मज़ा आ गया। देहरादून की सभी बाइक्स हमारे साथ हैं आज ज्वाइन, और सारे यूट्यूबर्स भी हमारे साथ में हैं। क्या हाल है?
हेलो हेलो, अभी सुना रहे भैया। हेलो, ऐसे माहौल में बच्चों के जो है बहुत मजा आ जाते हैं। सभी देखो कैसे घूम रहा है, बाइक को ढूंढ रहा है कहाँ पर फोटो लूँ कहाँ पर फोटो लूँ। एक बार मैं लाइनअप दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये कुछ ऐसा लाइनअप है, आगे से दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये लगी हुई है सभी बाइक्स। और आज तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल सीन हो रखा है। ये चेक करो भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। साथ है तो ये उसी चीज़ का फायदा उठ रहा है कि पुलिस वाले हैं आज साथ में, तो सभी ने भाई आतंकी मचा दिया है। A few moments later. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर होम गार्ड ऑफिस पे, जहाँ लोकेशन थी। मेरा रास्ते में GoPro की जो है बैटरी डाउन हो गई थी, तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं अंदर एंट्री आने की। भाई ये देखो यहाँ पर कितना क्राउड है, यहाँ पर खड़ी अपनी सिम्बा लाइन में लगी सारी बाइक। और गाइस बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, देख सकते हैं आप पीछे। और बाइकों का लाइनअप दिखा देता हूँ मैं। धनंजय आप अगर ये देख लीजिए, अगर ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो रही है तो राइट साइड पे आप मोटरसाइकिल को और व्हीकल्स को देख सकते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी बाइक पे आ जाइए, एक एक फ्लैग आपको दिया जा रहा है। तो ये सभी बाइक पे फ्लैग लगने को गए सर ने, तो हम भी लगा रहे हैं अपनी बाइक पे। गाइस कम से कम एक घंटा लगा है यहाँ पर सब अरेंज करने में, बहुत ज़्यादा भीड़ और क्राउड हो रहा था और हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अभी भी राइडर्स आ रहे हैं बहुत सारे, एक घंटा तो हो गया हमें बैठे हुए। मैं अमिताभ श्रीवास्तव डीआईजी होम गार्ड्स, अपने साथी अधिकारी राजीव बलूनी वो भी डीआईजी हैं, हमारे स्टाफ ऑफिसर राहुल सचान। ये मौका क्या है, मौका बहुत खास होगा, कैसे होगा, काफ़ी कुछ आप लोग ने इंस्टा और वीडियोस को ऑलरेडी देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो आपके लिए आज वो मोमेंट्स लाइव होंगे। तो गाइस स्पीच दे दिया सर ने, बहुत ही अच्छी स्पीच दी है और सभी खाने के लिए उठ चुके हैं यहाँ पर, सबको बहुत ही भूख लगी है। और हमारे साथ हमारे भाई वगैरह भी आ गए, नवाब भाई और आगे भाई भी यहाँ पे आके सरप्राइज दे दिया है। यहाँ पर जो है खाने का अरेंजमेंट करा रखा है, तो गेम्स वगैरह भी खेलेंगे यहाँ पर, इसके बाद जो है टग ऑफ वॉर होगा। देहरादून के सभी राइडर्स हैं यहाँ पर इस टाइम पे आगे, भाई कम से कम 400 बाइक्स तो होंगी होंगी यहाँ पर। तो ये द्रुत ऐप जो है आज लॉन्च हुआ है, फिलहाल आकिब भाई हमारी वीडियो बनाएंगे रील्स पे, उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा क्राउड है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस और बाइकर्स का कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें एग्जॉस्ट भी सबने जो है कस्टम लगा रखे हैं, कोई भी स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं है, तो ये मोमेंट तो याद रहेगा हमेशा के लिए। ये जो जगह है ये है होम गार्ड ऑफिस, जहाँ पर डीआईजी सर रहते हैं और पुलिस का स्टाफ रहता है, और यहाँ पर रैव लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पुलिस स्टेशन में सुपर बाइक्स के रैव लग रहे हैं। अब हो रहा है टग ऑफ वॉर गेम, जिसमें एक साइड राइडर्स लगे होंगे और नवाब भाई भी लग चुके हैं यहाँ पर। रेडी 1 2 3 होगा। उस साइड में नवाब भाई भी खड़े थे हमारे साथ, नवाब भाई ने जाते जान लगा दी सारी खींच गए एक बार, तो वो साइड जीत चुके हैं जहाँ नवाब भाई थे। तो गाइस साइड निकल चुकी है, ये चेक करें आप, सर जा रहे हैं। अभी सर ने बहुत प्यार से समझाया, अरेंजमेंट करी, उसके बाद भी बिगड़ गया मॉल। गाइस राइड निकल चुकी है, हम भी निकलते हैं अपने ग्रुप के साथ। चलो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो गाइस
अभी मैंने थोड़ी सी भगाई और ये फ्लैग जो है फट चुका है। डीआईजी सर ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसमें आपका अगर कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट या कोई बीमार पड़ जाता है, सिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस ऐप का एक प्रेस करेगा और उसके पास जो नियर बाय हेल्पलाइन होगी वो उसके पास एकदम पहुँच जाएगी। तो ये इस ऐप से आपको सुविधा हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी ऐप जो है लॉन्च की है। पुलिस वाले हमारे साथ फर्स्ट टाइम। बस मज़ा आ गया भाई। हाँ ओके ओके। अगस्त्य के फादर इन्होंने अपनी बाइक को पूरा मॉडिफाई किया हुआ है, एक चीज़ लगा रखी है जो लग सकती है इसमें। गाइज कम से कम 7 से 8 10 आवर होंगी कि सबके एग्जॉस्ट रैप कर रहे हैं और बिना डरे किसी के, क्योंकि पुलिस 7 राइड कर रही है हमारे। ये मोमेंट कहीं नहीं देखा होगा आपने, पुलिस वाले बाइकर्स की वीडियोस बना रहे हैं। ये देखो और सबसे आगे चले डीआईजी सर, ये जा रहे हैं डीआईजी सर और हम इनके जस्ट बराबर में। सर ने ले रखी है मैटियोर 350। हमारी बाइक इस टाइम पे सबसे आगे डीआईजी सर के साथ में चल रही है। वो सभी बाइकर्स आगे चले गए और आधे पीछे, और हम चल रहे हैं डीआईजी सर के बिल्कुल बराबर में। जो द्रुत ऐप है उसका ऐप का कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंगल टैप से आपको सर्विस मिल जाएगी। किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, तो जो नियर बाय सर्विस होगी वो उसके प्रोवाइड की जाएगी। सर ने बहुत ही अच्छे से इस ऐप का बताया। अभी ये एंड्रॉयड में आई है, iOS में नहीं आई है। अकेला काफी में बातें नहीं छापी है, हाथ में मेरे बस अब कलम और कॉपी है, लिखते नहीं बंदे बस करेंगे कॉपी है, गानों में इनके बच्चे लमर साफी है। बेखौफ कलम बेरहम, गाना सुनो मेरे सुखो तुझे मिलता चरम पे, सारे नागपुरी यही बदनाम रखे दिल में प्यार बस चलते गरम है। बस गानों में बातें नहीं, काम भी हार्ड वर्किंग मैं करता आराम नहीं, सम्मान भी मैं करता बड़ों का हूँ लड़ता, अकेला है गानों में जान भी, तूफान सी जुबान भी जैसे डिवाइन में लेता रिमांड भी। थैंक यू भाई। तो गाइस ये आ चुका है अपना घंटाघर देहरादून का, अगले टर्न से घर के लिए मुड़ जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो थी यहीं तक के लिए। बहुत मज़ा आया, ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस वालों के साथ राइड की है बाइकर्स ने। तो गाइस यहाँ पर बाय कर देते हैं हम सबको, बाय। रैली को हमने यहाँ से बाय बाय कर दिया है और मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आया आज की राइड में, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।